हेलो एवरीवन दिस इज राम बिश्नोई एंड योर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ हिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इस चैप्टर में हम बात करेंगे नेशनलिज्म की बात करेंगे यूरोप की और बात करेंगे नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसे हुई थी यूरोप में जब आपने इस चैप्टर को देखा होगा या हिस्ट्री की बुक को देखा होगा तो आपने दो चीज़ें ऑब्जर्व की होगी कि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और इसकी वॉक है इसकी लैंग्वेज है वो थोड़ी डिफिकल्ट लगी होगी लेकिन एग्जैक्टली चैप्टर ऐसा नहीं चैप्टर काफ़ी ईजी रहने वाला है इंटरेस्टिंग रहने वाला है एंड ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का तो बहुत इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो ये बूस्ट करता है हमारे कॉन्फिडेंस को हमारे फोकस को हमारे इंटरेस्ट को ये जो चैप्टर है बेसिकली स्टोरी है 126 हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स ईयर की द स्टोरी बिटवीन द सेवनटीन एटी नाइन टू नाइनटीन फोर्टीन के बीच में यूरोप में क्या क्या होता है वो हमें डिस्कस करना है यानी कि फ्रेंच रेवल्यूशन टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एक कहानी दी गई है ओके यहाँ पे ये जो चैप्टर है थोड़ा सा लेंथी रहेगा तो इसको हम दो एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं यानी कि दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के कंटेंट की यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या फर्स्ट जो एपिसोड है यहाँ पे हम कुछ बेसिक टर्म डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म नेशन स्टेट ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है ये हमें समझना है एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप यूरोप में नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसे होती है कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे वो हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे फ्रेडरिक सोरू फ्रेंच रेवल्यूशन नेपोलियन मिडिल क्लास इनकी बात करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट द 1815 फिफ्टीन वीना कांग्रेस दैट वाज लाइक द दैटोपल

इटली एंड द बाल कंटेंशन वो फोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे ओके okay? तो इतना रहेगा हमारा ये चैप्टर लेट्स बिगिन सबसे पहले हम बात करते हैं पहुंच जाते हैं नाइनटीन सेंचुरी में नाइनटीन सेंचुरी की बात करें तो यूरोप में काफी कुछ हलचल होती है ओके okay? तो वहां पे नेशनलिज्म फोर्स दैट ब्रोट अबाउट द स्वीपिंग चेंज इन द पोलिटिकल एंड द मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप वहां पर नेशनलिज्म की शुरुआत होती है एंड दैट चेंज द पोलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड जो था यूरोप का उसको चेंज कर देता है वो काफ़ी सारे चेंजेज आते हैं किसके कारण आते हैं बिकॉज ऑफ द नेशनलिज्म और उसके रिजल्ट क्या रहते हैं रिजल्टेड इन द राइज ऑफ द नेशन स्टेट और उसके रिजल्ट के कारण वहां नेशन स्टेट बनते हैं जैसे आज हम देखते हैं वहां पर जर्मनी फ्रांस ब्रिटेन स्विट्जरलैंड बेल्जियम नीदरलैंड पोलैंड की बात करते हैं ऐसा कोई भी स्टेट नहीं था पहले ये बाद में बने किसके रिजल्ट के कारण नेशनलिज्म के कांड तो अब हमें दो चीज़ें समझनी जरूरी है कि ये नेशनलिज्म आखिर है क्या और ये नेशनल स्टेट क्या है कहाँ से आए चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम नेशनलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं नेशनलिज्म को हम हिंदी में कहेंगे राष्ट्रवाद जिसकी बात हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करने वाले नेशनलिज्म इज अ सेंस ऑफ कॉमन यूनिटी और ब्रदरहुड यानी में जैसे हम इंडियंस हैं तो इंडियंस हैं हमें एक भाव एक फीलिंग है कि चाहे वो साउथ इंडियन है नॉर्थ इंडियन है वेदर इट इज द ईस्ट इंडियन वेस्ट इंडियन हम सब भाई हैं हम सभी इंडियंस हैं ना जुड़े हुए हैं कही कहीं ना कहीं एक सेंस आता है सो so, यही सेंस है वो नेशनलिज्म है सो नेशनलिज्म इज अ सेंस ऑफ कॉमन यूनिटी और ब्रदरहुड जो आपस में एकता का जो भाईचारे की जो फीलिंग है ना सेंस है वो नेशनलिज्म है अमंग द पीपल लिविंग इन ए कॉमन जियोग्राफिकल एरिया और ये कहाँ के लोगों में सेंस ऐसा नहीं कि हमारे और चाइनीज़ के बीच में आ जाएगा हमारे या फिर इंडोनेशियन के बीच में आ जाएगा आमतौर तो पे जो सेंस ऑफ यूनिटी वो डेवलप होता है जब एक जैसा जियोग्राफिकल एरिया हो जैसे हम इंडिया में रह रहे हैं तो एक जैसा ज्योग्राफिकल एरिया ऑटोमेटिक एक सेंस ऑफ यूनिटी आएगा एंड हु शेयर कॉमन हिस्ट्री कल्चर और ट्रेडिशन यानी ये जो सेंस ऑफ यूनिटी है सेंस ऑफ ब्रदरहुड है इट एमर्ज अमंग द पीपल बिकॉज ऑफ द कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया कॉमन हिस्ट्री कॉमन कल्चर कॉमन ट्रेडिशन एट्सेट्रा कॉमन लैंग्वेज भी हो सकता है यानी कि जब लोग एक जैसी भाषा बोलते एक जैसी हो एक जैसी उनकी कल्चर हो एक जैसी उनके ट्रेडिशंस हो एक जैसा ज्योग्राफिकल एरिया हो एक जैसी हिस्ट्री हो तब नेचुरली हमें जुड़ाव महसूस होता है होता ना अगर हम इफ़ यू आर नोट हीय अगर हम किसी फॉन कंट्री में और किसी को हिंदी बोलते हुए देखें तो हमें लगता है कि ये तो इंडियन है भाई है मेरा लगता है ना तो ये सेंस ऑफ यूनिटी नेशनिज्म इज ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड ब्रादरहुड एंड इट एमर्ज बिकॉज ऑफ द कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया कॉमन हिस्ट्री कॉमन कल्चर कॉमन ट्रेडिशन और द कॉमन लैंग्वेज यानी कि इन फैक्टर्स के कारण ये एमर्ज करती है ओके वो नेशनिज्म है दूसरी लैंग्वेज में कहें तो नेशनलिज्म क्या है नेशनलिज्म इज ए स्ट्रोंग सेंस ऑफ लव प्राइड और लॉयल्टी टुवार्ड्स द कंट्री यानी देश के प्रति अपनी कंट्री के प्रति जो प्यार है आपका लगाव है समर्पण है लॉयल्टी है वो नेशनलिज्म है देश की भक्ति है वो नेशनलिज्म है ओके आप सिंगल जो सिंगल वर्ड में या फिर सिंगल सेंटेंस में या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें कि नेशनलिज्म क्या है नेशनलिज्म नेशनिज्म इज अ लर्व टुआर्ड्स द कंट्री देश के प्रति जो प्यार है वो नेशनलिज्म है ओके तो हमें दो डेफिनेशन अच्छे से करनी है नेशनलिज्म क्या है नेशनलिज्म इज ए सेंस ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड दैट एमर्ज बिकॉज ऑफ कॉमन ज्योग्राफिकल एरिया कॉमन हिस्ट्री कॉमन कल्चर कॉमन लैंग्वेज एटसेट्रा से एमर्ज करता है उत्पन्न होता है पैदा होता है और इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट नेशनलिज्म मीन्स द लव और द लॉयल्टी टुआर्ड्स वंस ओन कंट्री अपने देश के प्रति जो लव है लॉयल्टी है उसे हम नेशनलिज्म कहेंगे आपने देखा होगा मॉर्निंग असेंबली में जब नेशनल एंथम होता है हम खड़े होते हैं दिल से एक अलग सी आवाज़ आती है हमें लगता है कि हम देश से जुड़े हुए हैं एक तार सा जुड़ जाता है हमारा कनेक्टिविटी हो जाती है फाइव हमें सिग्नल मिल जाते हैं वो नेशनलिज्म होता है या फिर जब हम इंडो पाक का क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं या हॉकी का मैच देख रहे होते हैं उस वक्त हम भूल जाते हैं कि वो प्लेयर है वो किस लैंग्वेज को बोलता है कौन से स्टेट से है वहां पे एक इंडिया हमें दिखाई देता है वो भी एक नेशनलिज्म है वो जो प्यार है उस वक्त ओके तो उसे हम नेशनलिज्म कहेंगे तो यहाँ नेशनलिज्म क्लियर हो गया हुआ कि आपसी जो एकता का भाईचारे का भाव है वो नेशनलिज्म है और देश के प्रति जो हमारा लव है लॉयल्टी है वो नेशनलिज्म है क्लियर तो यहां पे हमने नेशनलिज्म को समझा अब हम बात करेंगे फ्रेडरिक सोरू के हम एनसीआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे यहां पे जो फ्रेडरिक सोरू है 1848 में क्योंकि हमारा चैप्टर भी इसी तरीके से स्टार्ट हो रहा है यहां पे क्लियर विजन देखा गया था पहली बार कि नेशन स्टेट का नेशनलिज्म का डेमोक्रेसी का तो ये फ्रेडरिक सोरू क्या था और इसने ऐसा क्या किया था कि हमारे चैप्टर में सबसे पहले आता है और इसका नेशनलिज्म से क्या लिंक था क्या रिश्तेदारी थी वो हम फाइंड आउट करते हैं फ्रेडिक सोर्यू कौन था फ्रेडिक सोर्यू ही वॉज ए फ्रेंच आर्टिस्ट पहली चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका वन मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा कि फ्रेडिकू वॉज ए फ्रेडरिक ही वॉज ए फ्रेंच आर्टिस्ट एंड फेमस फॉर द प्रिंट्स ही प्रोड्यूस्ड इन एटीन फोर्टी एट में उसने कुछ प्रिंट्स बनाए थे ओके okay, पेंटिंग्स की थी फोर पेंटिंग की सीरीज थी उसके लिए फेमस है विच ड्रीम ट डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट वर्ल्ड और उन फोर प्रिंट्स में उसने डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट वर्ल्ड की कल्पना की थी कि ऐसा टाइम आएगा जब पूरा वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक होगा सोशलिस्ट होगा एंड पीपल आर गोइंग टू हैव द इक्वल राइट्स लोगों के पास इक्वल राइट्स होंगे ऐसा उसने इमेजिन किया था अपने उस फोर प्रिंट्स में ही प्रोड्यूस्ड ए सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स उसने फोर प्रिंट्स की सीरीज को प्रोड्यूस किया था उसमें क्या था वो हम यहाँ पे देख देख लेते हैं जो फर्स्ट प्रिंट था दैट शोज द पीपल फ्रॉम द यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन द फ्रंट ऑफ द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी एंड पेइंग ट्रिब्यूट जो फर्स्ट इमेज उसने डेवलप क्रिएट की थी उसमें था कि लोग जो यूरोपियन और अमेरिकन नेशन के जो लोग थे वो स्टेचू ऑफ लिबर्टी के सामने मार्च कर रहे थे और ट्रिब्यूट पे कर रहे थे एंड दे वर वेयरिंग द दे वर हैविंग द डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स हैविंग द नेशनल फ्लैग्स अलग अलग थे तो उसमें एक तरीके से इमेजिन किया गया था कि आने वाले टाइम में लोग अलग अलग नेशन स्टेट में होंगे द स्टेचू ऑफ लिबर्टी इज परसोनिफाइड एज ए फीमेल फिगर के तौर पे दिखाया गया था स्टेचू ऑफ लिबर्टी को होल्डिंग द टोर्च ऑफ इन्लाइटनमेंट इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट ऑफ द मैन इन द अदर हैंड उसमें स्टैचू ऑफ लिबर्टी को कैसे दिखाया गया था एज ए फीमेल फिगर उनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटेडमेंट थी यानी कि ज्ञान नॉलेज को दिखाया गया था एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन इन द अदर हैंड तो यहाँ पे इमेजिन किया गया था कि इन फ्यूचर क्या होगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉलेज नॉलेज के कारण हम आगे बढ़ेंगे और लोगों को इक्वल राइट्स मिलने वाला है इन फ्यूचर में पीपल आर गोइंग टू हैव द इक्वल राइट्स यानी बहुत कुछ चेंज होने वाला है बिकॉज एट दैट टाइम उस टाइम की अगर बात करें तो वहां पर ऑटोक्रेटिक रूल होता था पीपल लोगों के पास किसी भी टाइप के राइट्स नहीं हुआ करते थे ओके okay. तो ये सब कुछ दिखाया गया था The differences in the views and the culture of the people of the world have been shown through the various plaques and national costumes. And these people shown in this series. दे व बिलोंगिंग फ्राम द डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट नेशंस एंड इट वाज शोन थ्रू द फ्लैग्स एंड द नेशनल कॉस्ट्यूम कि वो कैसे अलग अलग दिख रहे थे तो उस पिक्चर को आप देख सकते हो एन बुक में तो उसमें शो किया गया कि उनके पास उनके कॉस्ट्यूम्स अलग अलग हैं उनके पास जो फ्लैग्स हैं वो अलग अलग हैं जो अलग अलग नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर जब नेशन स्टेट नहीं था उससे पहले ही फ्रेडरिक शोरियो ने एक तरीके से नेशनलिज्म को हवा दे दी थी कि हाँ आप अलग कल्चर से बिलोंग करते हो आपका अलग से नेशनल फ्लैग होना चाहिए और आपका अलग से एक नेशन स्टेट होना चाहिए एंड फाइनली जो उसकी फोर्थ प्रिंट था फोर्थ जो पेंटिंग थी उसमें उन्होंने शो किया था द रिमेन्स ऑफ द ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कैन बी सीन फ्रॉम टोन एंड शेटेड ऑन द अर्थ इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द कंजर्वेटिज्म एंड द एब्सलिटिज्म साथ साथ उन्होंने फोर्थ जो पेंटिंग थी उसमें उन्होंने शो किया था कि जो ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है ऑटोक्रेटिक जो रूल है वो कहाँ है टोन और शेटर्ड गिरा हुआ बिखरा हुआ जमीन के ऊपर जो किस चीज़ को सिम्बलाइज करा था सिंबलाइज करा था कि कंजरवेटिज्म और एब्सोल्यूटिज्म है उसका अंत होने वाला है कंजरवेटिज्म मीन्स जो एक तरीके की आइडियोलॉजी थी जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले जिसको हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझ लें कि लकीर के फकीर मीन्स दोज पीपल हु डिडेंट वॉन्ट चेंज जो चेंज नहीं चाहते थे वो कंजरवेटिव थे ओके देवर इन द फेवर ऑफ द ऑटोक्रेटिक रूल के फेवर में थे चर्च की पावर के फेवर में थे और किसी भी प्रकार के चेंज के फेवर में नहीं थे और एब्सोल्यूटिज्म इन्स द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जिनके पास इनॉर्मस पावर होती थी जिनके ऊपर किसी भी टाइप का कंट्रोल नहीं होता था तो ये भी एक तरीके से इमेजन किया गया था कि इन फ्यूचर क्या होगा डेमोक्रेसी होगी और वहाँ पे ऑटोक्रेटिक रूल्स के लिए या कंजर्वेटिज्म के लिए कोई जगह नहीं होगी तो यहाँ पे हमने देखा कि फ्रेडिक सोरियो वाज़ द पर्सन दैट इमेजन अबाउट द नेशन स्टेट अबाउट द डेमोक्रेसी इक्वालिटी के बारे में उन्होंने अपनी फोर जो प्रिंट्स की सीरीज थी उसके थ्रू उन्होंने इमेजन किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है okay. ओके तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा समझा कि किस तरीके से आम लोग जो आर्टिस्ट थे वो भी नेशनलिज्म से जुड़े हुए थे ये यहाँ पर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से मैंटल वर्ल्ड जो था वो प्रिपेयर हो रहा था यूरोप का तो यहाँ हमने नेशनलिज्म को समझा और हमने समझा फ्रेडरिक सोरियो को यहाँ पे नेशन स्टेट एक बार फिर से आ गया तो चलिए नेशन स्टेट को समझ लेते हैं कि ये नेशन स्टेट क्या बनने वाला था था क्या ये क्या रेसिपी थी अ स्टेट दैट एस्टेब्लिश इट्स सेल्फ एज अ सेपरेट पोलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल इंटायटी फंक्शन एज ए कंप्लीट एंड सेवरन टेरेटरी एंड इंटायटी टेरिटरी इंटायटी इट मीन्स दैट एक ऐसा नेशन एक ऐसा देश जो अलग से एक पोलिटिकल और जियोग्राफिकल यूनिट हो और एक तरीके से सेवरन से का मतलब अपने डिसीजन खुद ले पाए हैविंग द इट्स ओन पावर जिसके पास खुद की अपनी पावर हो ओके okay, उसे हम नेशन स्टेट कहेंगे जैसे इंडिया इज़ ए नेशन स्टेट बिकॉज वी आर हैविंग आ ओन पोलिटिकल एरिया हमारा अलग से जियोग्राफिकल एरिया है एंड वी कैन टेक आवर ओन डिसीज़न हम अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं तो हम क्या है हम नेशन स्टेट हैं तो यहाँ पर यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में नाइनटीन सेंचुरी से पहले अगर फर्स्ट आपकी बात करें वहां पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं था जैसा अब हम देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था तो ये नेशन स्टेट मीन्स अ स्टेट हैविंग इट्स ओन आ, सेपरेट पोलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल एरिया हो एंड हैविंग द पावर टू टेक इट्स ओन डिसीजन तो उसे हम नेशन स्टेट कहेंगे जैसे आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया पाकिस्तान नेपाल भूटान चाइना दीज आर द नेशन स्टेट लेकिन पहले ऐसा नहीं था यूरोप की अगर बात करें जैसे यहाँ पे देखिए दिस इज़ द मैप ऑफ यूरोप तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नेशन स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं स्पेन फ्रांस जर्मनी दिस इज ब्रिटेन आयरलैंड नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड तो ये जितनी भी कंट्रीज आपको दिखाई दे रही है ये नेशन स्टेट है लेकिन पहले यहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था तो फिर क्या था उस वक्त देर वोज दिस सिस्टम जैसे हमारे यहाँ पे था मुगल पीरियड था या उससे पहले जो पीरियड होता था उसमें क्या होता था जहाँ पे कब्जा कर लिया वही स्टेट हो जाता था जो लॉयल्टी लोगों की होती थी वो किंग के प्रति होती थी ओके okay. जो रूलर होता था उसके लिए होती थी यानी कि राजा है उसकी जय जयकार होती थी उसके बाद दूसरे ने हमला किया उसने कब्जा कर लिया उसकी जय जयकार होने लगती थी वहाँ पे ऐसा नहीं था कि भारत माता की जय क्योंकि पहले नेशन स्टेट नहीं था ऐसी फीलिंग ही नहीं थी यूनिटी नहीं थी सेंस ऑफ ब्रदरहुड नहीं था और लव टुआर्ड्स द नेशन नहीं था उस वक्त किंग होते थे रूलर होते थे वही सब कुछ होता था तो जो नेशन स्टेट है वो बिल्डअप हुए थे किसके कारण जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के कारण कि हाँ हम सब एक जुड़े हुए हैं और ये जो कंट्री ये जो लैंड है वो हमारी है ओके okay. तो यहाँ हमने नेशनल स्टेट को समझा कि ये क्या था एक और टर्म है जिसको हमें समझना है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट भी एक टर्म है जो इस चैप्टर में बार बार रिपीट होगी अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच इनॉर्मस पावर्स आर वेस्टेड इन ए सिंगल इंडिविजुअल और ग्रुप कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें इनॉर्मस मतलब होता है अनलिमिटेड पावर जिसमें अनलिमिटेड पावर किसी एक पर्सन के पास या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास हो जैसे लुइज सिक्सटीन वॉज दे वी हैव स्टडीड अबाउट लुइज सिक्सटीन कब पढ़ा हमने नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने बात की थी एंड ही यूज टू से दैट आई एम द स्टेट मैं ही स्टेट हूँ मैं ही सुप्रीम कोर्ट हूँ मैं हाई कोर्ट हूँ मैं सुप्रीम कमांडर हूँ सब कुछ मैं ही हूँ मैं ही पार्लियामेंट हूँ कहा करता क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड पावर थी सारे डिसीजन वही लेते थे सेम वॉज देयर अर्थ अगर हम मोनार्की सिस्टम की बात करें तो यही सब कुछ होता था एक ही पर्सन के पास पावर होती थी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के पास जैसे कि हमने डायरेक्टरी रूल की बात की थी नाइन्थ क्लास में ओके तो ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को हिंदी बोलते हैं निरंकुश निरंकुश मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो जिसके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो जिसकी पावर के ऊपर कोई कंट्रोल ना हो जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर पाए कुछ भी मतलब कुछ भी कर पाए ओके okay. तो उसी हम ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं सो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है इट इज़ ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच इनॉर्मस पावर्स आर वेस्टेड इन ए वन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप में या फिर एक पर्सन के पास जब इनॉर्मस पावर हो तो उसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज़ ए मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स हैज अनलिमिटेड अथॉरिटी एंड इट इज नॉट काउंटेबल टू एनी इसमें अनलिमिटेड पावर होती है उस रूलर के पास और वो अकाउंटेबल अकाउंटेबल नहीं होता किसी के प्रति अकाउंटेबल मतलब जवाब नहीं देना होता कोई उसके लिए क्यों क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता कोई पूछ नहीं सकता तो उसे बोलते हैं ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ओके हिंदी में निरंकुश याद रखोगे तो आप इजिली इसको राइट आउट राइट कर पाओगे कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है तो यहाँ पर हमने काफी सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए नेशनलिज्म क्या है एंड नेशन स्टेट क्या है ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है और फ्रेडिक सोरेव की बात कर ली फ्रेडिक सोरेव जो वो पर्सन वो फैक्टर था जिसने नेशनलिज्म को हवा दी थी इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म यूरोप इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसने नेशनल स्टेट का आइडिया दिया था तो यहाँ पे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक तरीके से रिवाइज करने वाले हैं क्योंकि नाइन्थ क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द नेशनलिज्म ये नेशनलिज्म ने की शुरुआत थी पहली बार नेशनिज्म की शुरुआत हुई थी वो 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन से हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के सैलेंट फीचर्स क्या थे फ्रांस वॉज अंडर दब्सलूट मोनाकिन सेवनटीन एटी नाइन में अंडर में था देर वॉज द बॉन बॉन बॉर्बॉन डिनेस्टी थी बॉर्बॉन डायनेस्टी की लुई सिक्सटीन के अंडर में था कब 1789 से पहले ओके सो फ्रांस वॉज अंडर द एब्सल्यूट मोनाकिन सेवनटीन एटी नाइन एंड द रेवल्यूशन ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम द एम्पायर टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच पीपल इस रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ जो पावर्स थी वो ट्रांसफर हो गई कहाँ से एम्पेयर टू फ्रेंच पीपल के पास यानी कि अर्लियर इट वॉज ए ऑटोक्रेटिक वहां पे मोनार्की सिस्टम था और उसके बाद वहां पर डेमोक्रेसी आ जाती है पावर पली जो चली जाती है पावर है वो किसके पास चली जाती है ये ट्रांसफर हो जाती है फ्रेंच लोगों के पास द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज़ टुक सेवरल मेजर्स टू क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान या उसके बाद भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे वो कई सारे ऐसे मेजर्स यानी कई सारे ऐसे कदम उठाते हैं कई सारे ऐसे स्टेप्स उठाते हैं जिससे कि फ्रेंच लोगों में यूनिटी आए कलेक्टिव आइडेंटिटी है वो डेवलप हो ओके इसके लिए क्या क्या करते हैं अडोप्टेड द आइडियज ऑफ द ला पैट्री ला पैट्रिक का आइडिया अपनाते हैं मीन्स फादरहुड का आइडिया अपनाते हैं ला सिटी सिटीजन का आइडिया अपनाते हैं ओके okay? कि हम सब एक देश से जुड़े हैं वी आर द सिटीजन ऑफ द फ्रांस तो इस टाइप के कुछ आइडियाज अपनाते हैं जिससे कि पहली बार वहाँ के लोगों में एक सेंस ऑफ यूनिटी सेंस ऑफ ब्रदरहुड है वो डेवलप होता है द न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज अडोप्टेड इन द प्लेस ऑफ द रॉयल एम्बलम रॉयल एम्बलम है उसकी जगह पे एक नया फ्रेंच फ्लैग लेके आते हैं इससे भी लोगों को लगता है कि येस वी आर कनेक्टेड टू वन नेशन ओके रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई द सिटीजन्स रीनेम्ड द नेशनल असेंबली को रीनेम कर दिया जाता है जिससे कि लोगों को कनेक्टिविटी लगे कि यह उनकी असेंबली एंड द रिप्रेजेंटेटिव है जो एक्चुअल में उनको रिप्रेजेंट करें ऐसे ही एस्टेबलिश्ड ए सेंट्रलाइज पोलिटिकल सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होती है इससे भी लोगों को लगता है कि येस वी आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इट मीन्स दैट वी आर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन ऐसा उनको लगता है ओके okay? वन कंट्री वन लो वन टैक्स सिस्टम वॉज अडोप्टेड इसके साथ साथ आफ्टर द फ्रेंच रेवल्यूशन एक देश एक कानून एक टैक्स सिस्टम को एडॉप्ट किया जाता है इससे भी ये लगता है ना जब हमारे यहाँ पे एक ही सिस्टम हो तो हमें ऑटोमेटिक लगता है कि वी आर द पार्ट ऑफ द सिंगल अथॉरिटी कि हम एक अथॉरिटी का एक कंट्री का पार्ट है तो वहाँ पर ऐसा भी किया जाता है फ्रेंच वॉज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल लैंग्वेज और फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाता है इससे भी लोगों में एक यूनिटी का सेंस डेवलप होता है यूनिफॉर्म वेइंग एंड द मेजरिंग स्किल्स वर एडोप्टेड और एक जैसे मापतोल के पैमाने हैं वहाँ पे अपनाए जाते हैं साथ ही साथ नेशनल लैंग्वेज भी वहाँ की फ्रेंच हो जाती है तो ये वो कुछ मेजर्स थे जिससे वहाँ के लोगों में ऐसा लगता है कि वी आर द पार्ट ऑफ द सिंगल कंट्री जो सेंस ऑफ यूनिटी है सेंस ऑफ ब्रदरहुड है वो डेवलप होता है पहली बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि हम एक नेशन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो जो नेशनलिज्म की शुरुआत होती है वो इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से होती है बिकॉज जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं वो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाते हैं कि लोगों में आपस में यूनिटी का सेंस डेवलप हो और ये जो यहाँ से शुरुआत हुई थी वो पूरे यूरोप तक चलती है उसके बाद पूरे वर्ल्ड तक चलती है फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव अस द आइडियाज ऑफ द डेमोक्रेसी इक्वालिटी लीगल राइट्स एट्सट्रा इसके साथ साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कई सारे आइडियाज देते हैं डेमोक्रेसी इक्वालिटी लीगल राइट्स रूल ऑफ लॉ कानून का शासन है ये जो आइडियाज थे ये एक तरीके से अट्रैक्ट करते हैं बाकी कंट्रीज के लोगों को कि अगर नेशनली जमाता है अगर नेशन स्टेट डेवलप होता है तो हमें भी ये सारे राइट्स मिलने वाले हैं ओके okay. तो ये था फ्रेंच रेवल्यूशन कि फ्रेंच रेवल्यूशन के दौरान क्या हुआ था और कैसे यूरोप में नेशनलिज्म की ग्रोथ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था फ्रेंच रेवल्यूशन ने ओके okay. तो ये पहला फैक्टर था जिससे शुरुआत हुई थी नेशनिज्म की कहाँ यूरोप में उसके बाद नेपोलियन का भी एक इम्पोर्टेंट रोल था इसमें 1769 टू 1820 1815 1769 टू 1815 जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद का एक पीरियड था जिसमें नेपोलियन एरा एराबिक जिसे कह सकते हैं नेपोलियन युग कह सकते हैं नेपोलियन ने भी कुछ ऐसे जाने में अनजाने में कुछ ऐसे कदम उठाए थे कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किए थे जिसने नेशनलिज्म को और ज़्यादा मजबूत बना दिया था ही ruled. अगर हम बात करें नेपोलियन की ही रूल्ड फ्रांस फ्रॉम 1799 नाइनटी नाइन टू एटीन के बीच में वो रूल करते हैं हालांकि अगर हम बात करें ऑफिशियली तौर पर ये बिकम द एम्प्रायर ऑफ द फ्रांस इन 1804 में वो वहाँ के एम्प्रायर बनते हैं लेकिन 1799 से उनके पास पावर आ चुकी आते है। बिकम ए कम्प्लीट डिक्टेटर इन 1799. नाइन्टी नाइन नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस हालांकि एक चीज़ हुई थी शुरुआत में ऐसा लगा था कि सब कुछ गड़बड़ होने वाला बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन जो एक इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन थी किसके लिए थी फॉर द डेमोक्रेसी उस डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देता नेपोलियन बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ही इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेयर की बात करें तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आते हैं नेपोलियन और ये जो रेवोल्यूशनरी चेंज थे वो आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट जितने की उस टाइम इंपॉर्टेंट थे और इन रेवोल्यूशनरी चेंजेस के कारण वहां पर नेशनलिज्म है और ज़्यादा पावरफुल बनता है तो ये रेवोल्यूशनरी चेंजेस आए थे सिविल कोड और नेपोलिनिक कोड 1804 के साथ जिसको हम सिविल कोड 1804 या नेपोलिनिक कोड 1804 भी कह सकते ओके तो ये कुछ नए सेट ऑफ रूल्स थे जिनके थ्रू वहाँ पर चेंजेस लाए गए थे पहला जो चेंज आया था ड्यूरिंग द नेपोलियन एरा में एस्टब्लिश्ड इक्वेलिटी बिफोर द लॉ यानी कि कानून के सामने सब समान होंगे चाहे वो किंग हो चाहे वो स्लेव हो कोई भी हो यानी जो स्पेशल राइट्स थे वो किसी को नहीं दिए गए जहाँ से भी लोगों में एक सेंस ऑफ यूनिटी है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ एस्टोलिश द इक्वेलिटी बिफोर द लो अबोलिश्ड ऑल प्रिविलेज ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ जो बर्थ बेस्ड राइट्स थे किसके पास जो इलाइट क्लास थी उसके पास थे उनको अबोलिश कर दिया गया कि एक ही वे दिया गया एक ही कह सकते हैं कि कंसेप्ट दिया गया कि अगर आगे बढ़ना है तो किसके बेस पे होगा आपकी एबिलिटी के बेस पर होगा आपकी एलिजिबिलिटी के बेस पर होगा ऐसा नहीं कि आप स्पेसिफिक किसी भी फॉर्म में यहाँ पे आपका बर्थ और उसके बेस पे आपको राइट्स मिल जाएंगे सो नेपोलियन अबोलिश द ओल प्रिवेज बेस्ड ऑन द बर्थ यानी कि जन्म के आधार पर जो स्पेशल राइट्स मिलते थे कि अगर वो किसी एलाइट uh, क्लास में किसी का जन्म हो गया तो उसके पास वही राइट्स रहेंगे वो खत्म कर दिए इससे भी लोगों को लगा कि हाँ हम सब एक हैं एंड वी आर गोइंग टू हैव द इक्वल राइट्स हमारे पास एक जैसे अधिकार हैं राइट्स है वो रहने वाले हैं ग्रांटेड प्रॉपर्टी राइट्स टू फ्रेंच सिटीजन्स अगेन यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट दिए गए फ्रेंच सिटीजन्स को प्रॉपर्टी राइट्स अगेन ही पहली बार मिले थे प्रॉपर्टी राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इट मींस दैट पहले क्या होता था कि प्रॉपर्टी है किसी ने अपनी मेहनत से कमाई और उसके बाद कभी भी रूलर था उनसे छीन सकता था लेकिन अब ऐसा नहीं था प्रॉपर्टी राइट्स मीन्स अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो वो उसको इवन रूलर है वो भी उससे छीन नहीं सकता था तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चेंज था इससे लोगों में न केवल वहाँ के लोगों के लिए एक ये फीलिंग भी आई कि यस हम अगर प्रोग्रेस करते हैं तो नेशन की प्रोग्रेस होगी और उनको ये भी लगा कि हाँ हम जो ग्रोथ करेंगे वो ग्रोथ हमारे लिए भी होगी तो इससे भी जो लोग थे उनको थोड़ा सा अलग फील हुआ बाकी कंट्रीज से कि ऐसा बाकी कंट्रीज़ में नहीं था तो उनका कंट्री के प्रति जो लॉयल्टी थी लव था वो थोड़ा सा बढ़ता है मजबूत होता है सिम्प्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजनस को सिम्पलीफाई कर दिया गया अर्लीयर इट वॉज लाइक दैट ऑफ ए हॉच वॉर्च सिस्टम अब यह था सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट थी देन उसके बाद जैसे अपने स्टेट्स है इस तरीके से उनको डिवाइड किया गया उसके बाद जो सब डिविजन्स हैं उनमें डिवाइड किया गया तो इससे भी लोगों को लगा कि यस वी आर द पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम हम एक सेम सिस्टम में आते हैं द फ्यूडल सिस्टम वॉज अबोलिश्ड एंड द पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेस फ्यूडल सिस्टम फ्यूडल सिस्टम जो यूनिटी के अगेंस्ट था क्योंकि फ्यूडल सिस्टम था वो कुछ एरियाज़ के ऊपर जो फ्यूडल्स होते थे वो कब्जा जमाते थे और अपने आप को एक अलग नेशन की तरह मान के चलते थे यानी कि वहाँ पर नेशन नहीं बल्कि जो फ्यूडल्स थे वो इम्पोर्टेंट होते थे उस फ्यूडल सिस्टम को अबोलिश कर दिया गया इससे भी जो नेशनल यूनिटी थी उसके वे में एक जो बड़ा हर्डल था वो हटा दिया गया था रिस्ट्रिक्शंस ऑन द गिल्ड्स इन सिटीज़ व रिमोट जो गिल्ड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे वो रिमूव कर दिए गिल्ड्स क्या थे ट्रेड यूनियंस होती थी वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए इट मीन्स दैट नाउ एनी वन कैन जॉइन दर गिल्ड्स कि कोई भी उन गिल्ड्स को जॉइन कर सकता है कोई भी किसी भी प्रोफेशन को अपना सकता था इससे भी लोगों को लगा कि येस वी आर हैविंग द स्पेशल राइट्स इन दिस कंट्री एंड वी आर गेटिंग दीज राइट्स बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री तो उनमें वो यूनिटी वो जो लव था लॉयल्टी थी नोएशन के प्रति वो यहाँ पर डेवलप होने शुरू होती है वन नेशन वन टैक्स सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इम वॉज इंट्रोड्यूस्ड यानी कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कम्युनिकेशन सिस्टम उसको इम्प्रूव किया गया और एक देश में एक जैसा टैक्स लेकर पहले थे अलग अलग टाइप के टैक्स थे तो ये भी लेके आए इससे भी एक यूनिटी का सेंस है वो डेवलप होता है ब्रदरहुड का सेंस है वो डेवलप होता है सिंगल मेजरमेंट सिस्टम मापतोल के एक जैसे पैमाने हैं वो लेकर के आए गए अदरवाइज क्या था कि मापतोल के अलग अलग कोने में अलग अलग पैमाने होते थे उसको इंप्रूव किया गया वन नेशन वन करंसी अर्यर देर वॉज द लॉट ऑफ करंसीज बहुत सारी करेंसीज थी जैसे मापतोल के पैमाने थे सेम टैक्स सिस्टम अलग था उसको भी एक कर दिया गया इससे भी एक सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप होता है वन नेशन वन लो एक देश कोई भी कोना हो एक ही कानून रहेगा तो ये कुछ मेजर्स थे ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का इसको क्वेश्चन को जनरली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट इन नॉट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑफ द नेपोलियन चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो चाहे वो सिविल कोड ऑफ एटीन जीरो फोर हो या नेपोलियनिक कोड ऑफ एटीन जीरो फोर हो दैट इज द सेम थिंग हमें ये मेन फीचर्स है वो अच्छे से करने कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे जो नेपोलियन ने किए थे एंड दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म यूरोप इन सब चीज़ों से हालांकि यूरोप में नहीं सिर्फ फ्रांस में चेंजेज आए थे लेकिन क्योंकि उस वक्त जो फ्रांस था उसमें इंक्लूड था मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द यूरोप यूरोप का ज्यादातर पार्ट था वो इंक्लूड था तो जो चेंज फ्रांस में आ रहे थे वो पूरा यूरोप है उसको ऑब्जर्व कर रहा था उसको फील कर रहा था और उसके बाद उनको भी लगा कि यस वी नीड टू डू द सेम थिंग इन आर कंट्री टू कि हमें भी अपने देश में कुछ ऐसा ही करना है तो इससे वो नेशनलिज्म के प्रति जो अट्रैक्शन था वो लोगों का बढ़ जाता है ओके okay. हालांकि अगर हम नेपोलियन की बात करें तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स है वो काफी इंपॉर्टेंट थे नेचुरली नेपोलियन प्रूड टू बी द टायरेंट टू द पीपल ऑफ द कंकर्ड जो टेरिटरीज थी उनकी बात करें तो उनके लिए एक तरीके से अत्याचारी हुआ था सब कुछ गड़बड़ कर दिया था लेकिन टैक्सेशन सेंसरशिफ वर इम्पोज एंड मिल्ट्री सर्विसज वर मेड कंपल्सरी हालांकि वहाँ पर उनमें टैक्सेशन था वो या फिर सेंसरशिप थी वो इम्पोज कर दी गई थी उन एरियाज़ में मिलिट्री सर्विस है वो मैंडेटरी कर दी गई थी तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को नेगेटिव लगी लेकिन नेपोलियन का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन था वो था सिविल कोड और द नेपोलियन कोड ऑफ एटीन एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म्स थे जिन्होंने वहाँ पर लोगों को जोड़ा था पहली बार उनमें वो सेंस डेवलप किया था कि हाँ वो एक नेशन के पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हैं जो सेंस ऑफ यूनिटी है क्योंकि वही तो नेशनलिज्म है सेंस ऑफ यूनिटी सेंस ऑफ ब्रदरहुड सेंस ऑफ वननेस वो डेवलप किया था नेपोलियन ने अपने 1804 के सिविल कोड के द्वारा ओके okay. तो ये था दूसरा मेन इवेंट जिसने नेपोलियन या फ्रेंच रेवल्यूशन के बाद जो नेपोलियन का सिविल कोड था जिसने नेशनल ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसके बाद एक और बड़ा चेंज आता है एटीन सेंचुरी के मिडल में मिडल ऑफ द एटीन सेंचुरी जिसने नेशनज़्म को और ज़्यादा हवा दी थी जैसे यहाँ पे हम देखते हैं काफ़ी सारे नेशन स्टेट्स जो अब है यहाँ पर यूरोप की लेकिन ऐसा पहले नहीं था जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एटीन सेंचुरी की अगर बात करें एटीन सेंचुरी की बात करें तो यूरोपियंस व नॉट वॉज इन ए नेशन वॉज नॉट ए नेशन एज ए यूरोपियंस यानी कि यूरोपियन जो थे वो एक राष्ट्र के तौर पर नहीं थे वो आपस में जुड़े हुए नहीं थे नेवरसा दम सेल्फ एज ए कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड आइडेंटिटी कभी भी उन लोगों ने देखा नहीं था कि हम आपस में जुड़े हैं चाहे वो जर्मनी के लोग थे चाहे वो फ्रांस के लोग थे चाहे वो इटली के लोग थे उनको कभी भी उस वक्त तक कोई सेंस ही नहीं था कि हम आपस में जुड़े हैं हम एक नेशन के पार्ट हैं ब्रदरहुड की वो या यूनिटी के जो सेंस था वो कहीं पर भी डेवलप नहीं था सच एज दैम्पबर्ग किंगडम ऑफ हंगरी ऑस्ट्रिया कंसिस्टिंग ऑफ फ्रेंच इटालियन एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लें जो हैब्सबर्ग किंगडम था हंगरी और ऑस्ट्रिया का उसमें फ्रेंच स्पीकिंग इटालियन स्पीकिंग जर्मन स्पीकिंग सभी टाइप के लोग थे तो सेंस ऑफ यूनिटी तो डेवलप होने का कोई मतलब ही नहीं था किससे पहले एटीन सेंचुरी से पहले उस वक्त की अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी भी डिवाइडेड थी उसमें पहले दो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे उसके बाद थर्ड सेक्शन अवॉइड हो जाता है पहला जो सेक्शन था ये हमारा हालांकि यहाँ पे हम सिर्फ सोसाइटी को समझ रहे हैं कि उस वक्त वहाँ की सोशल कंडीशन क्या थी तो वहाँ पर पहला जो क्लास थी एटीन सेंचुरी की यानी कि जब नेशनलिज्म की ग्रोथ होने वाली थी शुरुआत होने वाली थी उसमें पहली क्लास थी एलाइट क्लास जो एलाइट क्लास क्या थी स्मॉल इन लैंड बट डोमिनेटेड स्मॉल इन लैंड नहीं स्मॉल इन साइज की अगर बात करें तो ये साइज में छोटे थे यानी कि नंबर्स की बात करें तो नंबर्स इनके कम थे स्मॉल इन नंबर्स संख्या में ये कम थे बट डोमिनेटेड सोशली एंड पोलिटिकली थ्रू आउट द यूरोप ये सोशली और पोलिटिकली इनका दबदबा था यानी कि पावरफुल ये जरूर थे नंबर्स में कम थे लेकिन सोशली पोलटिकली इनका दबदबा था स्पोकन फ्रेंच विच वॉज कंसडर्ड एज द लैंग्वेज ऑफ द हाई सोसाइटी और ये जो लोग थे लाइट क्लास के लोग थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद या उससे पहले भी फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते थे ओके okay. क्योंकि ये इलाइट क्लास की लैंग्वेज मानी जाती थी उस वक्त एंड फैमिलीज वर कनेक्टेड थ्रू द मैरिज और थ्रू आउट द यूरोप जो एलाइट क्लास की फैमिलीज थी वो कनेक्टेड थी किससे जुड़ी हुई थी मैरिज के थ्रू यानी कि आपस में इनकी जो मैरिज होती थी उसके द्वारा ये आपस में जुड़े हुए थे कनेक्टेड थे ओके okay. यानी कि फ्रेंच सोसाइटी की बात करें तो उसमें पहला जो ग्रुप था सेक्शन था वो था एलाइट क्लास का जो संख्या में थोड़े थे पावरफुल थे पावर्स थी फ्रेंच बोलते थे और मैरिज के थ्रू आपस में जुड़े थे इसके अलावा उस वक्त जो फ्रांस में दूसरा बड़ा ग्रुप था वो था पीजेंट्स जो नंबर्स के बेस पे सबसे बड़ा ग्रुप था पीजेंट मासिस टेनेंट्स और द स्मॉल लैंड ओनर्स हु वर्कड एज सर्फ्स और द शेयर क्रॉप्स ये पीजेंट्स कौन थे ये जो जिनके पास थोड़ी जमीन थी जो शेयर क्रॉपर के तौर पे काम करते थे सर्फ जिनको कहा जाता था यानी कि बंटाईदार थे जैसे ज़मीन किसी और की है और उसके ऊपर ये खेती करते थे किसके बेस पर उनके जो शेयर होता था उसके बेस पर ओके दीज पीपल यूज टू कल्टिवेट द लैंड ऑफ द रूलर्स जो रूलर्स थे या लाइट क्लास थे उनकी लैंड को ये कल्टिवेट किया करते थे और मेजोरिटी जो थी नंबर्स के बेस पर वो पीजेंट्स की थी हालांकि इनकी कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन थी या सोशल कंडीशन थी दैट वाज टू पैथेटिक काफी खराब थी उसके बाद मिडिल क्लास से वो थर्ड सेक्शन है जो बाद में एमर्ज होता है जिसने नेशनलिज्म के झंडे को बुलंद किया था जो नेशनलिज्म को आगे लेके जाता है द ग्रोथ ऑफ़ द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन फूड फूड द ग्रोथ ऑफ़ द सिटीज़ एज अ रिजल्ट अ कमर्शियल क्लास द न्यूली अवेयर एजुकेटेड लिबरल मिडल क्लास एमस्ट यानी कि ग्रोथ ऑफ़ ट्रेड या इंडस्ट्रीज की बात करें इस दिस लेट टू द ग्रोथ ऑफ़ द सिटीज़ यानि कि जब ट्रेड है या इंडस्ट्रीज़ है ये वहाँ पे डेवलप होती है उनकी ग्रोथ होती है तो उसके कारण ग्रोथ होती है सिटीज़ की नई सिटीज़ वो डेवलप होती है जब नई सिटीज़ डेवलप होती है तो वहां पे एक नई क्लास एमर्ज होती है वो थी कमर्शियल न्यूली अवेयर एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास यानी कि ये कमर्शियल क्लास थी अवेयर थी एजुकेटेड थी और लिबरल थी अपनी आइडियोलॉजी में लिबरल्स थी यानी कि दे वॉन्टेड चेंज वो चेंज आते थे ओके और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लिबरल था मिडिल क्लास एमर्ज एंड पॉपुलाइज नेशनलिज्म एंड स्टूड फॉर द अबोलिशन ऑफ दाइट यही वो क्लास थी जिसने नेशनलिज्म को पॉपुलइज किया था ओके okay. तो यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बनता है कि राइट इज शॉर्ट नॉट ऑन द कंडीशन सोशल कंडीशन ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द एटीथ सेंचुरी में एटीन सेंचुरी में वहाँ की सोशल कंडीशन क्या थी तो हमें ये थ्री सेक्शंस के बारे में बताना है फर्स्ट वन इलाइट क्लास सेकेंड वन इज द पेजेंट्स और द मासज एंड थर्ड वन इज द मिडल क्लास दिस वॉज द न्यूएस्ट क्लास जो एम एस हुई थी आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द सिटीज इट वॉज ए कमर्शियल क्लास एजुकेटेड अवेयर एंड लिबरल एजुकेटेड अवेयर और लिबरल थी एंड इट पॉपुलइज द नेशनिज्म इसी क्लास ने नेशनलिज्म को पॉपुलाइज किया था एंड स्टूड फॉर द अबोल्यूशन ऑफ द एलाइट क्लास और ये किसके अगेंस्ट थे ये जो स्पेशल राइट्स थे एलाइट क्लास के उसके अगेंस्ट थे दॉन्टेड टू अबोलिश द एलाइट क्लास के एलाइट क्लास है वो होनी नहीं चाहिए ऑल द पीपल शुड है इक्वल राइट इस चीज के फेवर में थे ये मिडल क्लास वाले लोग ओके तो यही वो मिडिल क्लास थी जो नेशनिज्म को और नेशन स्टेट की बिल्डिंग का जो मोवमेंट था उसको आगे लीड करती है आगे लेके जाती है तो यहां हमने मिडिल क्लास के बारे में जाना लेकिन यहां पे हमें लिबरलिज्म को भी समझना है कि ये जो लिबरलिज्म क्या था ये जो जैसे हमने बात की कि मिडिल क्लास थी वो लिबरल थी और वो लिबरल नेशनलिज्म की बात कर रहे थे तो लिबरल नेशनलिज्म क्या था उदारवादी राष्ट्रवाद हिंदी में कहें तो ओके तो लिबरल नेशनलिज्म जो था कि फॉर द न्यू मिडिल क्लास पोलिटिकली लिबरलिज्म का मतलब था पर्सनल फ्रीडम यानी इनके लिए नेशनलिज्म का मतलब था यानी लिबरलिज्म या लिबरल नेशनलिज्म कुछ अलग नहीं था जो नेशनलिज्म उस वक्त था उसको लिबरल नेशनलिज्म कहा गया था थोड़ा सा उसमें कह सकते हैं खुले विचारों को इंक्लूड किया गया था तो इस नेशनलिज्म का मतलब क्या था एक्सपेक्टेशन क्या थी कि नेशनलिज्म अगर होगा तो क्या होगा तो क्या उम्मीदें थी तो उसमें पहला था पर्सनल फ्रीडम दैट पीपल विल गेट द पर्सनल फ्रीडम कि जब नेशनलिज्म आएगा इन एक्चुअल सेंस में तो लोगों के पास पर्सनल फ्रीडम होगी सेकेंड इक्वेलिटी बिफोर लॉ लोगों के पास कानून के सामने समानता होगी कोई छोटा नहीं होगा कोई बड़ा नहीं होगा सब एक बराबर होंगे पोलिटिकली गवर्नमेंट बाई कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल और वहाँ पे लिया तो लोगों की सरकार होगी या फिर लोगों की मर्जी की सरकार होगी द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी एंड द बर्थ बेस्ड प्रिवलेज की जो ऑटोक्रेसी है बर्थ बेस्ड प्रिवलेज है लोगों के पास बर्थ बेस्ड जो राइट्स मिलते हैं वो खत्म हो जाएंगे जब नेशनिजम आएगा लिबरल नेशनिज्म आएगा अ कंस्टिट्यूशन एंड द रिप्रजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रो पार्लियामेंट एक कंस्टिट्यूशन होगा हर देश का और वहाँ पर रिप्रजेंटेटिव गमेंट होगी किसके द्वारा पार्लियामेंट के थ्रू यानी कि लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट को चुन पाएंगे तो ये सब कुछ एक तरीके से एक्सपेक्टेशन थी कि लिबरल नेशनजी क्या होने वाला है कि अगर ऑटोक्रेसी खत्म हो जाती है अगर नेशनल स्टेट है वो बिल्ड होते हैं तो लोगों के पास पर्सनल फ्रीडम होगी इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी गवर्नमेंट बाय कंसेंट और गवर्नमेंट ऑफ द पीपल होगी एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड बर्थ बेस्ड राइट्स है वो खत्म हो जाएंगे अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी थ्रू द पार्लियामेंट ये सब कुछ होगा तो ये लोगों को लग रहा था मिडिल क्लास को कि अगर नेशनलिज़्म होता है उसकी ग्रोथ होती है नए ने, नेशन स्टेट बनते हैं तो ये सारे चेंज आ जाएंगे और यही जो मोटिवेशन के फैक्टर कह सकते हैं जिन्होंने मोटिवेट किया था लोगों को कि आगे बढ़ना है अगर हमें ये सब कुछ चाहिए तो इसके साथ अगर हम इकोनॉमिक वे से देखें कि लिबरलिज़म का क्या मतलब था उस वक्त की इकोनॉमी में क्या चेंज आएंगे अगर नेशनलिज्म की ग्रोथ होती है नेशनलिज्म रियल सेंस में आ जाता है तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स मार्केट की फ्रीडम होगी इट मींस दैट एनी वन कैन डू एनी थिंग पहले ऐसा नहीं था गिल्स होती थी रिस्ट्रिक्शंस होते थे हर कोई ट्रेड नहीं कर सकता था लेकिन अब ये था कि फ्रीडम ऑफ मार्केट्स मार्केट की फ्रीडम होगी एलिमिनेशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस जो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस है फ्लो ऑफ गुड्स या कैपिटल के ऊपर वो खत्म हो जाएंगे जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे रिमूवल ऑफ द ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस किसी भी टाइप के वो रिमूव कर दिए जाएंगे एंड रिस्टोरेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो इंट्रोड्यूस की गई थी नेपोलियन के द्वारा वो दोबारा से आ जाएगी तो ये सब कुछ था लिबरलिज्म इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मीनिंग उस वक्त मिडिल क्लास के लिए कि हम ये सब कुछ चेंज लेके आएंगे जो नेशनलिज्म के लिए स्ट्रगल कर रहे थे तो यहाँ पे हमने दो चीजें समझी पहला हमने समझा कि सोशल कंडीशन ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द एटीन सेंचुरी उसमें कौन कौन सी तीन क्लास थी फर्स्ट वन वॉज द इलाइट सेकेंड वन इज द पीजेंट और द मासज थर्ड वन द मिडिल क्लास उसके बाद हमें समझना लिबरल जो नेशनलिज्म वो क्या था ये आपका थ्री मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है या व्हाट डिड लिबरलिज्म मीन इन इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं रहेगा तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि कैसे ग्रोथ होती है नेशनलिज्म की यूरोप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसमें फ्रेंच रेवल्यूशन नेपोलियन मिडिल क्लास एंड द फ्रेडिक्स और यू ओके और कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट समझे लेकिन यहाँ पर ये जो गाड़ी चल रही थी इनकी नेशनलिज्म की उसमें हालांकि एक ब्रेक लगता है कब 1815 के बाद यहां से उससे पहले हम एक छोटी सी टर्म डिस्कस कर लेते हैं जोलवेरिन जो आपके वन मार्क्स के लिए थ्री टू फोर टाइम्स आपके लास्ट टेन ईयर्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये जोलवेरिन क्या थे अ कस्टम यूनियन वॉज फॉर्मड इन एटीन एट द इनिशिएटिव ऑफ द पर्शिया ये कस्टम यूनियन थी ओके कस्टम यूनियन थी शुल्क संघ हिंदी में कहें तो टैक्स के लिए एक संघ बनाया गया था दैट वॉज फॉर्मड इन एटीन थर्टी फोर एट द इनिशिए परशिया परसिया क्या था इट वॉज द लार्जेस्ट और द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ जर्मनी जर्मनी कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ तो था, था तो उसमें से सबसे पावरफुल जो स्टेट था वो परसिया था तो पर्शिया ने एटीन थर्टी फोर में कस्टम यूनियन एस्टेब्लिश की थी इट एलिमिनेटेड द टेरिफ वेरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करंसीज फ्रॉम थर्टी टू टू इसने जो टेरिफ वेरियर्स थे वो ख़त्म कर दिए और वहाँ की जो करेंसी थर्टी होती थी उसको टू पे ले आए यानी जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए जॉलवेरिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था बिकॉज इट ऑल्सो सेम जैसे फ्रांस में हुआ था इन द सेम वेनर जर्मनी में भी, भी हुआ कि वहाँ के लोगों में एक सेंस ऑफ यूनिटी है सेंस ऑफ ब्रदरहुड है वो डेवलप किया था इस जॉलवेरिन ने ओके जॉलवेरिन वन मार्क्स में एक्स में आ सकता है तो व्हाट वाज़ द जॉलवेरिन जॉलवेरिन वाज़ ए कंस्टम यूनियन एंड दैट वाज़ फॉर्मड इन 1834 एंड इट रिड्यूस द करेंसीज फ्रॉम थर्टी टू टू इतना लिख दोगे बहुत रहेगा अब हम बात करते हैं एटीन फिफ्टीन के बाद न्यू कंजरवेटिज्म जिसने नेशनलिज्म की ग्रोथ को थोड़ा सा रोक लगा दी थी क्या हुआ था यह हमारा इस एपिसोड का लास्ट टॉपिक रहेगा न्यू कंजर्वेटिज्म सबसे पहले मैं समझना है कि ये कंजरवेटिज्म क्या है हिंदी में कहीं तो रूढ़ीवाद ये रूढ़ीवाद क्या होता है इट स्टूड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट सोसाइटी द मोनाकी चर्च सोशल हायकी और फैमिली ओके इसमें ये जो लोग थे कंजर्वेटिज्म मीन्स रूढ़ी लोग वो होते हैं जो लकीर के फ़कीर होते हैं दोज पीपल हु डिडेंट वॉन्ट टू चेंज जो बदलना नहीं चाहते आप जैसे घर में देखते हो कई बार आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो लोग अभी बदलाव का एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो ये हर बार कंपेयर करते कि हमारे टाइम में तो ऐसा होता था हम तो ऐसे करते थे इट मीन्स दैट वो अभी भी नहीं चाहते कि आप अभी वो चेंज एक्सेप्ट करो अभी आप वैसे रहो जैसे एटीन में रहते थे एटीन में रह नाइनटीन में रहते थे ओके okay? तो वो कंजरवेटिव्स हम कह सकते हैं जो चेंज नहीं चाहते जल्दी से नहीं बदलते ख़ुद को तो ये ऐसे ही कंजरवेटिवस ये लोग थे इट्स टूड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी सच एज़ द मोनार्की के फेवर में थे एंड दीज पीपल वर इन द फेयर ऑफ द चर्च सोशल जो हेरार्की है उसके फेयर में थे फैमिलीज या या फैमिली जो भी ट्रेडिशन था उसके फेयर में थे एज वेल एज द मॉडर्न चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन इसके साथ साथ जो नेपोलियन के द्वारा मॉडर्न चेंज इंट्रोड्यूस किए गए थे लिटिल बिट उनके फेवर में थे उससे ज़्यादा वो बदलाव नहीं चाहते थे द डिडेंट वांट डेमोक्रेसी द डिडेंट वांट इक्वेलिटी या इस टाइप के जो भी नए चेंज थे वो नहीं चाहते थे वर द कंजरवेटिव कंजर्वेटिव मीन्स दोज पीपल हु डिड इंट वॉन्ट चेंज ओके पहली चीज वो चेंज नहीं चाहते थे एंड दे वर इन द फेयर ऑफ द मोनार्की चर्च एंड द ओल्ड सोशल कस्टम्स के फेयर में थे ओके okay, उनके फेयर में थे और किसके अगेंस्ट थे दे वर अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड द इक्वलिटी की बेस जो भी बातें की जा रही थी उनके वो अगेंस्ट थे ओके okay, या कंजरवेटिज्म अगर पूछा जाए तो कंजरवेटिज्म वॉज द आइडियोलॉजी एंड इट वॉज द आइडियोलॉजी ऑफ द पीपल हु डिडेंट वॉन्ट चेंज जो बदलाव नहीं चाहते थे ओके तो ये कंजर्वेटिव पीपल थे जब उन्होंने देखा कि नेशनलिज्म आ रहा है जब उन्होंने देखा कि नेशनलिज्म आएगा तो डेमोक्रेसी लेके आएगा उन्होंने देखा कि बर्थ बेस्ड राइट्स है वो अबुलिश हो जाएंगे तो ऐसे लोग जो मोनाकी से कनेक्टेड थे जो अलाइड क्लास थी उनको लगा कि सब कुछ तो खत्म हो जाएगा तो उन्होंने अपने आप को स्ट्रोंग करना शुरू कर दिया अपने आइडियाज़ को पॉपुलाइज़ करना शुरू कर दिया कंजरवेटिज़म एज़ ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अरोज आफ्टर द नेपोलियंस डिफ़ीट एट द बैटल ऑफ द वाटर इन एटीन यानी कि एटीन में वाटर में जो नेपोलियन की डिफ़ीट होती है उसके बाद इस आइडियोलॉजी को ज़्यादा पॉपुलाइज किया जाता है उन्हें लगता है कि अब एक ख़तरा पैदा हो गया है कहीं ऐसा ना हो कि डेमोक्रेसी आ जाए कहीं ऐसा ना हो कि हम गायब भी हो जाएं यहाँ से ओके जो कंजर्वेटिव रूल थे उनके कुछ मेन फीचर्स थे क्या होते थे कि देवर ऑटोक्रेटिक पहली चीज़ की जो कंजर्वेटिव रूल जो थे या रूलर्स जो थे वो ऑटोक्रेटिक थे निरंकुश जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था कोई कंट्रोल नहीं था दे यूज टू हैव द इनॉर्मस पावर होती थी उनके पास अनलिमिटेड पावर होती थी दे वर इनटॉलरेंट ऑफ द क्रिटिसिजम सो डिसेंट यानी कि असंतोष आलोचना कोई भी उनकी आलोचना क्रिटिसाइज़ करता था उसके वो खिलाफ थे कि इनटॉलरेंट थे कि कोई भी उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता सेंसरशिप ऑफ द प्रेस वॉज अडोप्टेड टू कर्ब लिबरल आइडियाज़ लिबरल आइडियाज़ को दबाने के लिए सेंसरशिप को इन्होंने सहारा लिया था जो कंजर्वेटिव रूलर्स थे कि किसी भी तरीके से लिबरल आइडियाज़ है या नेशनलिज्म है वो कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए लोगों के माइंड में नहीं जाना चाहिए रिजेक्टेड एनी क्वेश्चन दैट चैलेंज देयर वैलिडिटी और जो भी क्वेश्चन उठाया जाता था उनकी वैलिडिटी को लेकर के उनके रूल्स को लेकर के उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो ये मेन फीचर्स थे कंजरवेटिव जो आइडियोलॉजी के या कंजर्वेटिव रूलर्स के यहाँ पे 1812 की अगर बात करें तो यूरोप कुछ ऐसा दिखता था थोड़ा सा देख लीजिए कि ये नेपोलिनिक एम्पायर था ये नेपोलियन एरा की बात करें ये जो डिपेंडेंट स्टेट थे जो नेपोलियन के रूल को एक्सेप्ट कर चुके थे ये अलाइज ऑफ द नेपोलियन थे अब यहाँ देखिए कितना एरिया बच गया पुर्तगाल की बात करें दिस वन इज़ द ब्रिटेन एंड द आयरलैंड और इस पार्ट को छोड़ दिया जाए तो पूरा यूरोप किसके कब्जे में था इट वॉज अंडर द नेपोलियन और इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेपोलियन या तो नेपोलियन के अंडर में था या उसके इन्फ्लुएंस में था ये नेपोलियन रहा था ओके okay. अब यहाँ पर इसके बाद क्या होता है कांग्रेस ऑफ वीना होती है 1815 में कांग्रेस ऑफ वीना क्या इट वाज मीटिंग एट वेना वीना में एक मीटिंग होती है आफ्टर द डिफीट ऑफ द नेपोलियन नेपोलियन की डिफीट कब होती है बैटल ऑफ वॉटर में होती है जो कि उसकी लाइफ की लास्ट बैटल होती है ओके okay. तो उससे पहले यूरोप कुछ ऐसा दिखता था लेकिन नेपोलियन को जब हरा दिया जाता है रशिया ऑस्ट्रिया ब्रिटेन मिल कर के यानी कि पर्शिया भी उनमें इंक्लूड होता है तो मिल करके उसको हरा देते बिकॉज़ इट वॉज नॉट पॉसिबल किसी एक सिंगल कंट्री के तो बस की बात नहीं थी नेपोलियन को डिफ़ीट करना उस टाइम में तो नेपोलियन एरा के बाद जिसने पूरे यूरोप को जोड़ दिया था उसके बाद बहुत सारे चेंजेज़ आते हैं और उस चेंजेस के लिए कि क्या किया जाए उसके लिए एक मीटिंग होती है जिसको हम कांग्रेस ऑफ वीना या वीना कांग्रेस के नाम से जानते हैं एटीन फिफ्टीन में तो चलिए हम देखते हैं वीना कांग्रेस क्या थी आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि वट यू नो अबाउट द वी कांग्रेस एंड वट वर द सेलिन फीचर्स ऑफ द वीना कांग्रेस के सेलिनट फीचर्स क्या थे इन एटीन फिफ्टीन रिप्रजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन रशिया पर्शिया ऑस्ट्रिया यानी कि ये फोर कंट्रीज थे जिन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया था तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे हु हैड कलेक्टिवली डिफिटेड नेपोलियन जिन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया था मेट इन वेना टू डिजाइन ए न्यू सेटलमेंट फॉर यूरोप क्योंकि पूरे यूरोप ही चेंज होने वाला था तो न्यू सेटलमेंट को डिस्कस करने के लिए वो वीना में मिलते हैं क्लियर एंड कॉल फॉर द क्रिएशन ऑफ ए न्यू कंजर्वेटिव सिस्टम और वो एक तरीके से उनका मेन ऑब्जेक्टिव था टू सेटअप द न्यू कंजर्वेटिव सिस्टम क्योंकि वो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के फेवर में थे क्योंकि यहाँ पर भी ऑटोक्रेटिक रूल था मोनार्की सिस्टम था अब मोनार्की है तो वो प्रिजर्व किस को करेंगे मोनार्की सिस्टम को कंजर्वेटिव सिस्टम को प्रिजर्व करेंगे ना तो यहाँ पर मीटिंग किस लिए होती है कब होती है पहली चीज ये मीटिंग होती है जो वीना कांग्रेस हेल्ड इन 1815 में होती है एट कहाँ होती है वीना में होती है एंड दे मेट द एट टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द यूरोप यूरोप के फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए वहाँ पर वो इकट्ठा होते हैं कौन कौन इंक्लूड होते हैं ब्रिटेन रशिया पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया रिस्टोर द ओरथ्र मोनार्की इसमें क्या होता है जो मोनार्की सिस्टम था जिसको वहाँ से उखाड़ फेंका गया था उसको दोबारा से लेके आते हैं एंड द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाई द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक वो इसको होस्ट करते हैं इसके हेड होते हैं चेयरमैन होते हैं इस कांग्रेस के ओके ड्यूक मैटरनिक एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस है कॉट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा हो साइडिस्ट दैट वेन द फ्रांस निज़ द इंटायरी ऑफ कैच इज़ कॉल्ड कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है ये ड्यूक मैटरनिक ने कहा था क्योंकि 1789 और उसके बाद जब नेपोलियन ने कैरा को देखा तो लगा कि अगर फ्रांस में कुछ भी गड़बड़ होती ना पूरे यूरोप के लिए समस्या खड़ी हो जाती है तो इसलिए ये जो वीना कांग्रेस थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और इसी पर्सन ने जो ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक ने इसी ने ही ये सजेस्ट किया था कि वी नीड टू कंट्रोल द फ्रांस अगर हमें फ्यूचर थ्रेट से बचना है तो हमें फ्रांस को कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि समस्या यूरोप की वही फ्रांस है Okay. तो वीना कांग्रेस में क्या होता है यहां पे हमने डिस्कस कर दिया कि वीना कांग्रेस दैट हेल्ड इन 1815 आफ्टर द डिफीट ऑफ द नेपोलियन इन द बैटल ऑफ द वाटरलू एंड दे मेट देयर टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द यूरोप यूरोप के फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए वहां पर वो मिलते हैं हालांकि यहां पे एक तरीके से अगर सिंगल वर्ड में कहें सिंगल सेंटेंस में कहें तो यह बंदरबांड के लिए इकट्ठा हुए थे कितना बड़ा साम्राज्य था किसका नेपोलियन का फ्रांस का किसको बांटा कैसे जाए फ्रांस को कमजोर कैसे किया जाए और किसके हिस्से में क्या आएगा वो सब कुछ डिस्कस करने के लिए वो वहां पर इकट्ठे हुए थे रिस्टोर फर्स्ट जो फीचर था इसका ट्रीटी ऑफ फेना का रिस्टोर द पावर ऑफ द बॉर्बोन डायनेस्टी इन फ्रांस बॉर्बोन डायनेस्टी जिससे पावर छीन ली गई थी आफ्टर द फ्रेंच एवडिशन उसको दोबारा से पावर मिल गई पहला जो चेंज था यानी कि उन्होंने, उन्होंने कंजर्वेटिव सेटअप की तरफ वापस चले गए फ्रांस हैड टू गिव इट्स ओल इट्स कंकर कंकर्टेटरीज फ्रांस हैड टू गिव अप इट्स कंकर टेरेटरीज यानी कि जितना भी इलाका जीता गया था वो छोड़ना पड़ा फ्रांस को द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड विच इंक्लूडेड बेल्जियम वॉज एस्टेब्लिश इन द नॉर्थ नॉर्थ में एक नया किंगडम बनाया गया किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स जिसमें बेल्जियम शामिल था एंड जिनेवा जिसको हम अब स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं जिनेवा इन द साउथ टू प्रिवेंट द फ्यूचर फ्रेंच एक्सपेंशन यानी कि नॉर्थ और साउथ में दो नए स्टेट डेवलप किए गए थे एस्टेब्लिश किए गए थे क्यों एस्टेब्लिश किए गए थे कि फ्यूचर में फ्रांस है वो यहाँ से आगे ना बढ़ पाए ओके okay. तो यहां पे तो न्यू किंगडम ऑफ नीदरलैंड इन द नॉर्थ ऑफ द फ्रांस एंड जिनोवाज इंक्लूडिंग ए पार्ट ऑफ दैक्शनी का एक पार्ट है उसको मिलाकर के कई सारी न्यू टेरेटरीज है वो पर्शिया को मिल जाती है ऑस्ट्रियन कंट्रोल ओवर द नॉर्दर्न इटली नॉर्दर्न इटली है वो ऑस्ट्रिया को मिल जाती है यानी यहां पे बंदर बांट है वो शुरू हो जाते हैं रशिया गोट पोलैंड रशिया को पोलैंड दिया जाता है नेपोलियंस कॉन्फेडरेशंस को जो कॉन्फ्रेशन यानी कि एक संघ था ऑफ 39 नाइन स्टेट्स वोज नॉट चेंज जो नेपोलियन की यूनियन थी 39 नाइन स्टेट्स की उसको कोई चेंज नहीं किया जाता उस फेडरेशन को कोई चेंज नहीं किया जाता ओके okay. तो ये सब कुछ होता है वीना कांग्रेस में द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट वीना कांग्रेस टू डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द यूरोप आफ्टर द डिफीट ऑफ द नेपोलियन एंड टू वी कैन से दैट टू वीकन द फ्रांस फ्रांस को कमज़ोर करना ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे इस वीना कांग्रेस के तो यहाँ देखिए कि 1815 में यूरोप कैसा बना उसके बाद जो जिसकी हमने बात की थी कि पहले कैसा था 1812 में और 1815 में यूरोप कुछ ऐसा हो चुका था यानी कि उसकी पावर्स थी वो उससे छीन ली गई थी और यहाँ पर ये बड़े सारे नए स्टेट्स हैं वो वहाँ पर डेवलप किए गए थे एस्टेब्लिश किए गए थे तो यहाँ पर हमने अब तक समझ चुके हैं कि क्या क्या हुआ था कब सेवेंटीन से लेकर के 1815 तक और बीच में हमने फ्रेडिक सोरियो की पेंटिंग्स की भी बात की है तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया है छोटी छुड़ छोटी घटनाएं थी कि कैसे कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है जिससे वहाँ पर नेशनलिज्म की ग्रोथ होती है अब जो इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट रहेगा वो सेकेंड और लास्ट जो हमारा एपिसोड रहेगा जिसमें हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड जो हमारा एपिसोड रहेगा वो इससे कहीं ज़्यादा ईजी रहने वाला है अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही थैंक यू बाय बाय हैव है नाइस डे